जय परशुराम। न्यायमूर्ति माननीय श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान का जैसलमेर में प्रधारणा हुआ और उसी उपलक्ष में राजस्थान ब्राह्मण महासभा जैसलमेर द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मंच पर विराजमान हमारे अतिथियों का परिचय दूं। हमारे बीच विराजमान हैं हमारे अपने ही हाल लुधियाना पंजाब में निवासी श्री मदन मोहन जी व्यास। आपने 1958 में MSc किया था, दो बार UIT लुधियाना 2002 से 6 तक और 2011 से 2013 तक UIT के चेयरमैन रह चुके हैं। आपका मानवाधिकार आयोग पंजाब में सदस्य के रूप में मनोनयन हुआ था, लेकिन 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आप उस पद पर कार्य ग्रहण नहीं कर पाए। आप ने MSc ग्रहण करने के साथ ही विद्या भारती ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष भी रहे हैं और फाउंडर सदस्य भी रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे अपने ही युवा सभापति नगर परिषद जैसलमेर श्री हरिवल्लभ जी कल्ला। आप युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और नगर को आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। हमारे बीच हमारे अपने ब्राह्मण महासभा के संरक्षक जैसलमेर के सुप्रसिद्ध सोनाम धन्य श्री महेंद्र जी व्यास, व्यास पंचायत के चौधरी श्री जगदीश चंद जी व्यास उर्फ चौधरबा, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार जी दुबे और श्री ओम जी पुरोहित जज साहब और श्री रमेश जी पुरोहित सचिव ब्राह्मण महासभा हमारे बीच मंच पर विराजमान है। साथ ही हमारे बीच विराजमान है श्रीमती तनुजा जी व्यास और समाज के गणमान्य व्यक्ति। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अपने वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास। मैं आपका सूक्ष्म परिचय आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आप जोधपुर निवासी हैं। आपने सन 1979 से 1984 तक ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसर के रूप में, ऑल इंडिया रेडियो बीकानेर में आप अप्रूव्ड नाट्य कलाकार भी हैं। आपकी रुचि फोक म्यूजिक में भी रही है, आपकी गायन में भी विशेष रुचि रही है। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से BA/LLB करने के बाद सन 1981 से वकालत की शुरुआत बीकानेर में वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित लक्ष्मीनारायण जी पुरोहित के सानिध्य में की। तत्पश्चात पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से आप जोधपुर विराजे और जोधपुर में पंडित मुरलीधर जी पुरोहित के मार्गदर्शन में कार्य आरम्भ किया। सन 1986 से 1990 तक आपने राजकीय उपाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। आप सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल विषयों में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। लगातार 24 वर्षों तक वकालत करने के बाद वर्ष 2005 में आपको राजस्थान उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति के पद पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने 13 वर्षों तक इस पद पर अपनी सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की, राजस्थान उच्च न्यायालय के इस पद की शोभा बढ़ाई और बाद में आपने उस पद पर रहते हुए विभिन्न प्रशासनिक समितियों में भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। हाईकोर्ट लीगल सर्विस समिति के भी आप 2015 से 2017 तक चेयरमैन रहे। आपने 2017 में राजस्थान जुडिशरी एकेडमी के चेयरमैन के पद पर भी शोभा बढ़ाई। राजस्थान की अनेक विधि महाविद्यालयों में आपने म्यूट कोर्ट के माध्यम से विधि विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया एवं ज्ञान प्राप्त किया। आप NLU नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जोधपुर के एग्जीक्यूटिव सदस्य के रूप में भी राजस्थान उच्च न्यायालय में मनोनीत किया। वर्तमान में आप राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में शोभा बढ़ा रहे हैं, जो
हमारे लिए अत्यंत ही गर्व की बात है। हमारे बीच नगर परिषद आयुक्त श्री शर्मा जी पधारे हैं। शशिकांत जी, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच की तरफ राज्य। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस के दुबे साहब से कि आपका साफा पहनाकर एवं मवाला पहना करके अभिनंदन करें। डॉक्टर दुबे साहब, श्री रमेश चंद जी व्यास सचिव ब्राह्मण महासभा से निवेदन है कि आपका शॉल उठाकर अभिनंदन करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष सभापति नगर परिषद श्री हरिवल्लभ जी कल्ला का माला पहनाकर साफा बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री गिरीश जी व्यास। सदस्य हैं आप ब्राह्मण महासभा के, विशिष्ट अतिथि श्री मदन मोहन जी व्यास का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री नंदकिशोर जी व्यास, नंदकिशोर जी शर्मा, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक। श्री ओम जी प्रोहित का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री ऋषि जी पालीवाल को, श्री क्षमा करें श्री ओमी प्रोहित। आयुक्त नगर परिषद श्री शशिकांत जी का अभिनंदन करने माल्यार्पण करने के लिए कमलेश जी चांगाणी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती व्यास, श्रीमती सुधा प्रोहित से निवेदन है कि आपका शॉल उठाकर माला पहनाकर अभिनंदन करें श्री सुधा प्रोहित। जिस प्रांगण में हम अभी बैठे हैं वह है व्यास बगीची, इसका नाम है श्री नारायणदास जी व्यास बगीची। लगभग 250 वर्ष पूर्व इस बगीची का निर्माण आरंभ हुआ था और यह एक तपोस्थली रही है। हमारे अनेक पूर्वजों ने वर्षों तक यहाँ पर गायत्री का जप किया है, यज्ञ किए हैं, हवन किए हैं। वर्तमान जो स्वरूप आपके समक्ष है, विगत 10-15 वर्षों से हमारे अध्यक्ष व्यास पंचायत के श्री जगदीश चंद जी व्यास उर्फ चौधरबा
हमारे कोषाध्यक्ष श्री रमेश चंद जी व्यास, हमारे संरक्षक श्री राजेंद्र जी भोपत एवं हमारे टीम के सदस्यों ने विगत 10-15 वर्षों में लगभग 2 करोड़ रुपए लगा करके इसका जीर्णोद्वार किया है। जिस हॉल की प्रांगण में हम बैठे हैं, यह प्रांगण भी हमारे ही डॉक्टर रमेश जी व्यास हाल निवास बम्बई ने लगभग 80 लाख रुपए का दान देकर इसका निर्माण करवाया था। मैं व्यास पंचायत की ओर से श्री जगदीश चंद जी व्यास और श्री राजेंद्र जी भोपत से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास का अभिनंदन करें। और अब पुष्कणा ज्ञाति समाज जैसलमेर के ओर से श्री दिनेश जी श्रीपत के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का अभिनंदन करेंगे। श्री चंद्रशेखर जी श्रीपत और श्री कमल जी आचार्य। श्री ओमी जी पुरोहित का भी पुष्कणा न्याय की तरफ से अभिनंदन करेंगे, श्री चंद्रशेखर जी श्रीपत और कमल जी आचार्य। और अब परशुराम चौक की तरफ से मुख्य अतिथि का अभिनंदन करने के लिए श्री महेश जी चूरा को आमंत्रित करता हूं। विभूति हमारे इस प्रांगण में पधारी, हमें इस बात की खुशी और गर्व है। मेहमानों का स्वागत करना हमारी पुरातन परंपरा रही है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस के दुबे साहब से निवेदन करूंगा कि अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। डॉक्टर दुबे साहब, परम आदरणीय श्री व्यास जी, समस्त अतिथिगण और हमारे आए हुए सभी बंधु लोग, ये जैसलमेर के लिए और हमारी ब्राह्मण महासभा जैसलमेर के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हमें श्री व्यास जी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।